हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आपने कंटेंट से नीचे पढ़ ही लिया होगा, तो पहले जाके आप मेरी वीडियो देखिए, देन इन द एंड मैं आपको मिलता हूँ। वेल गाइस, मैं अपने स्कूल में हूँ खड़ा। ये मेरी स्कूल की पूरी कैंटीन, कहाँ एंजॉय किए थे। आज मैं सर्टिफिकेट लेने आया था और मैंने देखा, चलो मैंने अपनी मैम से परमिशन ली कि मैं अंदर जा सकता हूँ कि नहीं, तो मैं होया आया। मैंने स्कूल की पगड़ी भी बांधी है जैसे कि, तो बस आज सर्टिफिकेट लेने आया था। मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म, 12th तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की स्कूल में। अब मैं आगे देखते क्या करूँगा, और मैं अभी जाऊँगा अपने ऊपर की क्लास से देखने। चलो देखते ऊपर की क्लास। सो नाउ यहाँ से मेरी लाइफ स्टडी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। दिस क्लास इज़ माई 4th क्लास, एंड मैं इस क्लास को कभी नहीं भूल सकता, मेरी 4th क्लास थी। और आगे मेरी 5th और 3rd क्लास भी है, वो भी दिखाऊँगा। और इसके उल्टा नीचे मेरी 1st नर्सरी एंड 2nd क्लास है, वो मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर आ गया। और ये मेरी 3rd क्लास है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये इट्स माय 3rd क्लास। भाई कितने अच्छे दिन थे ना वो भी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। एंड दिस इज माय 5th क्लास। हाँ सारी क्लास से, दिस इज माय 5th क्लास। एंड उसके ऊपर मैं आपकी बाकी सारी क्लासेस दिखाता हूँ अपनी। सो नाउ मुझे पता चला है कि यहाँ पर मेरी 6th और 7th क्लास थी वो बंद हो चुकी है, क्योंकि वो कॉलेज का हिस्सा हो गया है, तो वो नहीं दिखा सकता मैं 6th और 7th क्लास। बट मैं अपनी 8th 9th 10th दिखा सकता हूँ। कितना अच्छा स्कूल है ना मेरा यार, जितने मज़े किए हैं ना कभी भूल नहीं सकता। मेरा रोना नहीं कर रहा अभी कि बस ख़त्म, इतनी ही थी स्कूल लाइफ 12 साल। मतलब पता नहीं चले कैसे निकल जाते हैं। आगे हमने भी अपना फ्यूचर बनाना ही होता है, ठीक है। स्कूल स्कूल जैसी लाइफ कभी मिलती नहीं। चलो 8th 9th दिखाते हैं। 8th 9th मेरी वैसे एक ही क्लास थी, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली, ये मेरी 8th थी और ये मेरी 9th भी थी, क्योंकि हमारे उस टाइम स्कूल में थोड़ी क्लासों की प्रॉब्लम हो गई थी, तब मेरी एक ही ये दोनों क्लासें वाली थी, 8th और 9th। यहाँ पर पेंट हुआ है जिसमें हमने इतना गंदा पेन का सीन किया होता। और सबसे एपिक क्लास 10th क्लास, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड एग्जाम दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम बोर्ड एग्जाम स्टार्ट कर दिए थे। दिस इज माय 10th क्लास। आज तक यहाँ खिड़कियां नहीं बनी, हमने जब यहाँ पे कंप्लेंट की थी ना खिड़कियां बना दो गर्मियों में, आज तक खिड़कियां नहीं बनी देखो। बट क्लास क्लास ही थी यार, कितने मजे किए 10th में अपने मैंने। अब नाउ मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नर्सरी 1st 2nd 11th 12th, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर में है, और इवन कैंटीन भी दिखाऊंगा। सो नाउ गाइस, मेरी अब मैं देखूंगा 11th एंड 12th क्लास, प्लस मैं अपना पेंटिंग रूम भी देखूंगा जहाँ इतनी मैंने पेंटिंगें बनाई है, जहाँ पे हमने मतलब पेंटिंगों से ज़्यादा बातें जरूर की है, यहाँ पे बातें बड़ी की है मैंने। आई थिंक पेंटिंग क्लास ब्लॉग्ड है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज ब्लॉग, कुछ कर नहीं सकते। और ये मेरी है 12th बी, 11th भी नीचे। ओ माय गॉड, बस यही लास्ट क्लास थी 12th, बाकी अभी 11th 1st 2nd नर्सरी देवी नीचे जाके दिखाऊंगा। बट ये क्लास, जितने इस क्लास में हमने मतलब इंजॉयमेंट की है, पढ़े हैं, हमारे टीचर्स ने मतलब हमें बहुत पढ़ाया है, हमें मतलब सपोर्ट किया है, उन्हें पता था हम उनके सपोर्ट के बिना लाइक कुछ नहीं कर सकते थे। लाइक मैंने कॉमर्स ली थी तो मुझे पता था कि टीचर्स का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो 12th क्लास इज 12th क्लास, मतलब लास्ट क्लास होती है उसका स्कूल फिनिश। बट इन्जॉय बहुत किया था मैंने 12th में, सही में बहुत इन्जॉय। मैं पहुंच गया अपनी मैं 11th क्लास में। 11th क्लास में मतलब एक जो होता है ना इम्पॉर्टेंट टास्क, जैसे हमें अपने सब्जेक्ट चूज करने होते, तो 11th क्लास से हमारी लाइफ शुरू होती है। तो इट्स माई 11th क्लास, यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। दिस इज माई 11th क्लास, दिस इज माई 11th क्लास एंड आई रियली इन्जॉय इट। लाइक मेरी जर्नी एक तरह से यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट चूज किए है। चलो आगे दिखाते हैं हम आपको लास्ट अपनी स्टार्टिंग क्लास से, जहाँ से हमारी स्कूल जर्नी स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं। एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये मेरा शूटिंग रेंज है स्कूल के बाद, और यहाँ पर मैंने मतलब अपना फर्स्ट टूर्नामेंट यहाँ पर खेला था, और ये मेरा ऑडिटोरियम है, ठीक है। ऑडिटोरियम नेम साहिबजादा राजीव सिंह ऑडिटोरियम, और बहुत बड़ा है, एसी वाला, फुली एसी, और फुली इन्जॉय मैंने किया अपने स्कूल लाइफ में। सो अब मेरी मेन 3 क्लासेस लास्ट की, जहाँ से मेरी स्कूल जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो वेल इट्स माय
ये मेरी स्कूल लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अभी यहाँ अंधेरा बहुत है, कुछ कर नहीं सकता। वेल एक मिनट सर, बस एक मिनट। सो वेल, मेरी ये नर्सरी क्लास थी, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल की। मेरे को मतलब स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई थी, मेन गेट वहाँ से था मेरा, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे इधर कर दिया था नर्सरी के स्टूडेंट्स को वहाँ से। और मेरी फर्स्ट क्लास इट वॉज हेयर, आई थिंक मुझे क्लोज लग रही है, बट मैं पहले सेकेंड दिखाऊंगा, सेकेंड आ गई। और इट्स नाउ मेरी सेकेंड क्लास, दिस इज माई सेकेंड क्लास, मतलब सेकेंड थी मेरी। अच्छी क्लास थी यार सेकेंड भी, बड़ी मेमोरीज जुड़ी हुई है सेकेंड क्लास से भी एक तरफ। और लास्ट फर्स्ट क्लास जो लॉक आई थी, ये फुली लॉकड है यहाँ पे पूरा, मतलब बंद किया हुआ, तो हम कुछ कर नहीं सकते। चलो आज का यहीं खत्म करते ब्लॉग। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया था, जब मैंने स्कूल में एंट्री की थी वो मेरा फर्स्ट गेट ये था, अब वो बंद हो चुका है, दिखाता हूँ मैं। ये था मेरा फर्स्ट गेट जहाँ से मैंने अपनी स्कूल की जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ मेरा फर्स्ट मतलब पैर जहाँ मैंने रखा था। मेरा स्कूल का मेन गेट तो वो रहा, ठीक है गाइस। और बस यही थी स्कूल की लाइफ, मेरी स्कूल की लाइफ फिनिश हो गई है, मतलब अब नहीं जाना कभी स्कूल आगे, कॉलेज वगैरह। और ये मेरा स्कूल है सारा बिल्डिंग, मेरे झूले, पीछे गुरुद्वारा, पीछे सब कुछ, मेरे स्कूल की बिल्डिंग है ये। एंड आई लव माई स्कूल, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता था स्कूल को। और 12 साल लगातार एक ही स्कूल में, मोस्टली बच्चे चेंज करते बट मैंने नहीं किया, मेरे को पसंद था अपना स्कूल, मेरे दोस्त थे अच्छे। तो बस यही थी मेरी स्कूल की लाइफ, फिनिश हो गई, इन्जॉयमेंट किया हमने, आगे कॉलेज है। ये हे गाइस, आपने मेरे व्लॉग तो देख लिया होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और आप मेरी मिस्टेक बताइए, मैंने मिस्टेक कहाँ की, नेक्स्ट टाइम से वो ना करूँ क्योंकि मैं। और आपको जो सा पार्ट अच्छा लगा वो भी मुझे बताइए, और प्लस लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करना भूलिए, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर आप आगे से भी आगे करिए, और उनको भी बोले आगे से आगे और करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय गाइस।